गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े थे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़े थे, ठीक ना, और हम चाह रहे हैं कि ऑर्थोग्राफिक का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे मीन्स पढ़ते जाएंगे तो मीन्स उसमें ऑर्थोग्राफिक भी चाहिए और आइसोमेट्रिक भी चाहिए। क्योंकि आप डायग्राम ड्रॉ करोगे वह आइसोमेट्रिक हो जाएगा, फिर उसका व्यू निकाल रहे हो आप ऑर्थोग्राफिक हो जाएगा, या ऑर्थोग्राफिक दैट इज व्यू दे रखा है उससे आप आइसोमेट्रिक बना रहे हो। मीन्स दोनों साथ हम लोग लेके चलेंगे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ऑर्थोग्राफिक आज आप लोग को बता देते हैं, ठीक ना। चलो आइए हम लोग देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ना बाबू हम लोग 2D कहेंगे। अब 2D मीन्स क्या हुआ बच्चे, टू डायमेंशन हो जाएगा। अब 2D की बात करें तो वैसा डायग्राम जिसका दो डायमेंशन हो तो वो डायग्राम क्या होता है बच्चे, वह व्यू आ जाता है। और उसमें जैसे ऑर्थोग्राफिक इन द मीनिंग क्या होता हो जाता है बाबू, वह व्यूज हो जाता है। तो व्यू जैसे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इस सारा का सारा जो होता है बच्चे वह ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही कहलाता है। मीन्स हम यहां लिख देते बच्चे तो 2D, ठीक है बाबू, 2D आखिर कौन सा प्रोजेक्शन मिलेगा बाबू, तो 2D होते बच्चे वह व्यूज होते बच्चे। 2D कहे तो क्या हो जाता बाबू, व्यू हो जाता है, व्यूज हो जाता है। व्यू की बात करें तो टॉप व्यू हो गया बाबू, टॉप व्यू को प्लान भी कहते बच्चे, प्लान हो गया, ठीक है। और फिर बात करें बच्चे फ्रंट व्यू की, ठीक है, या फिर बात करें बाबू साइड व्यू की, तो ये जितना भी जितना आप देख रहे बच्चे ये सारा का सारा 2D डायग्राम होता है, 2D होता है। तो व्यू जो होता है बच्चे वो 2D होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। मीन्स जितना भी आप व्यू निकालते हो बच्चे, व्यू कहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकुलर फेसेस होता है ना बाबू। एक डायग्राम हम सॉरी एक वीडियो हम बना रखे हैं व्यू का, आप नहीं देखे होंगे तो आप जरा एक बार उसको देख लीजिएगा, तो व्यू सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो व्यू जो बात करेंगे बाबू, 2D की बात कर रहे हैं, और 2D क्या होता है बच्चे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। तो यहाँ जो होता है बच्चे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है बाबू, वैसा प्रोजेक्शन जिसके किसी बॉडी के एज को पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करेंगे किसी प्लेन पर, और उसका जितना भी प्रोजेक्टर होंगे बच्चे, सारा का सारा प्रोजेक्टर जो होता है ना एक दूसरे के पैरेलल होता है और उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है जिसपे आप डायग्राम बनाना चाह रहे हो बाबू। उसके बाद जो डायग्राम बनता है उसी को कहा जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। सुपर बाबू, एक हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक ना, चलो इसको हम हटा देते हैं यहां से। उसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा डायग्राम, हम पिछले प्रोजेक्शन में हम बनाए थे, जरा डायग्राम हम कंसीडर करते हैं छोटा सा। चलो इस तरह से, तो आइसोमेट्रिक में डायग्राम बनाने के हम थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दिए हैं। जो भी आप डायग्राम बनाओ बाबू, आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना। जैसे देख लो हम आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए या तो आप यूज कर सकते हो ड्राफ्टिंग मशीन का या फिर सेट स्क्वायर का। तो देखो इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। अब इसमें जितने भी आप लाइन देख रहे हो बाबू, सारा का सारा लाइन जो होगा आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर आइसोमेट्रिक एक्सिस में होगा अनुसार में, और आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है बाबू वह 120 डिग्री पर होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहां पर एक प्लेन बना दिए, थोड़ा सा और इसको दूर कर देते हैं, चलो यहां से कर देते हैं, सॉरी इसको, चलो चलिए प्लेन हो गया बाबू, ठीक है। अब इसको ना हम लोग यहां से देखते हैं इसको, यानी मीन्स ये हो गया बाबू फ्रंट हो गया। इसको देखो तो ऐसे इसको पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आई थिंक ऐसे बनेगा यहां से,
थोड़ा टाइम लग जाता है वो बनाने में, फिर भी जल्दी जल्दी कोशिश कर ले बनाने के। चलो आप सामने देखोगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा बाबू। चलो ठीक है, तो इस तरह से देखो आप ऐसे ही आप ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है, इमेजिंग करना पड़ेगा बाबू, डायग्राम ड्राइंग ना पड़ रहे बाबू, आप इमेजिंग नहीं करोगे तो फिर तो मुश्किल है ड्राइंग समझना। ठीक है, ये जो देख रहे बच्चे ये प्लेन हो गया बाबू, और ये हो गया बाबू ऑब्जेक्ट हो गया, और हम प्रोजेक्टर की बात कर रहे हैं बच्चे। यहां देखो ये जो लाइन इमेजिनरी लाइन है बच्चे, ये हो जाएगा प्रोजेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और यहां जो बन रहा है बच्चे इसको कहते हैं प्रोजेक्शन कहते हैं, या फिर ऑर्थोग्राफिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नाम दे देते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसका नाम देती है। ठीक है, तो अब देखो आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन पर पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एक कंडीशन प्रोजेक्शन के लिए भी अप्लाई करते हैं, ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन करते हैं, लेकिन अब कंडीशन क्या है बच्चे, इसका जो प्रोजेक्टर है ना बाबू वह सब एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के, और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसके बाद जो डायग्राम बनता है बच्चे उसी को कहा जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक बाबू, तो जब भी हम व्यू की बात करेंगे, व्यू की जब भी हम बात करेंगे, ठीक बाबू, जो व्यू जो होता है बच्चे वह ऑर्थोग्राफिक ही होता है, क्योंकि देखने का जो डायरेक्शन होता है बच्चे किसी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो सीधा परपेंडिकुलर देखेंगे। अगर हम यहां से देखते हैं बच्चे तो मेरी आईज का जो रे होगा बाबू, आईज का रे जो होगा बाबू इसको छूते हुए निकलेगा ऐसे, अरे उस समय इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ से छूते हुए निकलेगा, इस तरह से इधर से भी निकलेगा ऐसे 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 छूते हुए जा रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट और इस प्लेन के बीच में यहां बहुत ढेर सारे लाइन होंगे, इमेजिनरी लाइन होंगे, जरा इमेजिन करो बाबू, सस्पेंड बाबू, यहां बहुत ढेर सारे इमेजिनरी लाइन होंगे और सब का सब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि ये लाइन रे जो है ऐसे जा रहा है, दूसरा जाएगा इसी को छूते हुए ऐसे जा रहा है, तो सब एक दूसरे के पैरेलल हो रहा बाबू, यहाँ नीचे से भी छूते हुए जा रहा है तो भी पैरेलल ही होगा, समझो ना। अब इस यहाँ जो प्रोजेक्टर है बच्चे, ठीक ना बाबू, प्रोजेक्टर किसको कहते हैं, सबसे पहले देखो कि प्रोजेक्टर कहते हैं बच्चे प्रोजेक्शन और ऑब्जेक्ट के बीच का जो इमेजिनरी लाइन होता है बच्चे उसी को कहा जाता है प्रोजेक्टर कहा जाता है, पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम बताए हैं उसको। तो कह रहा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन उसी को कहा जाएगा बाबू, ठीक ना बच्चे, कि यदि जिसके सभी प्रोजेक्टर आपस में पैरेलल हो और इस प्लेन पर क्या हो बच्चे परपेंडिकुलर हो, इसके बाद जो डायग्राम बनता है जो फिगर बनता है बाबू उसी को कहा जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है, समझ पा ना। तो अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है बच्चे होता है कंप्लीटली क्या होता है बच्चे 2D होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो जितने व्यू की बात कर रहे हैं सारा का सारा क्या हो जाता है बच्चे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम एक सर्किल हम कंसीडर करते हैं बच्चे, हम दोनों बताते हैं मींस आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक हम लोग, ठीक ना, हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। चलो एक सिलेंडर हम कंसीडर करते हैं बाबू, सिलेंडर, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक की जब भी हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट के जिस फेस को आप देखना चाहते हो, जिस फेस का आप व्यू निकालना चाहते हो, उस फेस को सीधा परपेंडिकुलर देखा जाता है बाबू, ध्यान रखना इस चीज को जरा, ठीक ना बाबू। यहां देखो इस सिलिंड्रिकल बॉडी मान लो, ठीक है, अब इसको आप सामने देखो बाबू तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या करता है बच्चे, इसको छूते हुए निकलेगा, मेरी आईज का जो रे होगा जो किरण होगा बाबू ऐसे छूते हुए निकलेगा यहां से, इस तरह से चारों तरफ से ऐसे, अरे उस समय फिर नीचे से भी, फिर इस साइड से भी ऐसे ऐसे छूते हुए निकलेगा, फिर इधर से छूते हुए निकलेगा, अरे उस समय यानी कंप्लीटली क्या बनेगा बच्चे, एक रिपिंगल नजर आएगा,
अगर सभी पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे तो अगर बच्चे क्योंकि प्रोजेक्शन नहीं करता बच्चे, प्रोजेक्शन है बच्चे इसको छूते हुए जाएगा, अरे सर नीचे से छूते हुए जाएगा, इस साइड से छूते हुए जाएगा, अरे सर यानी इस ऑब्जेक्ट के एज को एज को छूते हुए एक डायग्राम बनाया जाएगा बच्चे, तो इस तरह से नजर आएगा, दैट इज रेक्टेंगल नजर आएगा। और उस समय और बच्चे हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको आप सामने सब देखते हैं ठीक है, तो यहां देखो बाबू, यहां देखोगे तो इसको भी ऐसे छूते हुए जाएगा, एज चारों तरफ से छूते हुए जाएगा। और उस समय या फिर पॉइंट टू पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते 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 कंप्लीटली क्या होगा बच्चे, एक इसी तरह से एज रेक्टेंगल नजर आएगा। ठीक है तो ये तो कम्प्लीटली तो रेक्टेंगुलर बॉडी है ना बाबू, ये तो आयताकार बॉडी है तो कम्प्लीटली तो नजर आएगा। लेकिन यहां देखो बच्चे, एक बॉडी हम कंसीडर किए हैं सिलेंडर वाला और एक बॉडी कंसीडर किए बच्चे रेक्टेंगुलर वाला, लेकिन दोनों का व्यूज देखो बाबू सेम नजर आ रहा है, लेकिन दोनों में तो डिफरेंस होना चाहिए ना बाबू, एक भाग जो है सिलिंड्रिकल है, दूसरा क्या बच्चे रेक्टेंगुलर है। अरे समय ठीक है, तो जो सिलिंड्रिकल पार्ट होगा बाबू, जो सिलिंड्रिकल भाग होगा ठीक है बाबू, सिलिंड्रिकल भाग के लिए चूंकि यहां सेंटर ना होगा बाबू, सेंटर होगा तो यहां सेंटर कंसीडर करना पड़ेगा बाबू, अब सेंटर अगर दे देते हो बाबू तो यह अब रेक्टेंगुलर बॉडी नहीं रहा बच्चे, या आयताकार नहीं रहा, अब यह रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे एक सिलिंड्रिकल पार्ट को, यानी सिलिंड्रिकल बॉडी का एक व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यू को बता रहा है। अरे समय और कैसा व्यू बच्चे, सिलिंडर मतलब सिलेंडर का आकार का है ठीक है। और यदि आप मिस्टेक कर दिए कि आपने सेंटर देना भूल गए तो यह सिलेंडर बॉडी नहीं कहलाएगा बाबू ठीक है। और एक गलती और हो गया कि आपने इसमें क्या किया, सेंटर लाइन दे दिए, अरे समय तो एक ही रेक्टेंगुलर बॉडी नहीं रहेगा बाबू ठीक ना, यानी क्यूबाइड हो गया, रेक्टेंगुलर हो क्यूबाइड नहीं रहेगा, अब एक कौन सा बॉडी कहलाएगा बाबू, सिलिंड्रिकल बॉडी कहलाएगा ठीक है। तो जब भी सिलिंड्रिकल बॉडी का व्यू निकालना होगा बाबू, उसमें सेंटर लाइन जरूर देना पड़ेगा, अगर आप सेंटर लाइन छोड़ देते हो तो वह जो व्यू निकलेगा बाबू वह सिलिंड्रिकल बॉडी का व्यू नहीं समझा जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। अरे बहुत समझ में आइए, क्या देखते हैं, चलो मान लो बच्चे कि एक सिलिंड्रिकल बॉडी हम ले लिए, व्यू निकाल रहे हैं ठीक ना, इस सिलिंड्रिकल बॉडी का व्यू निकाल रहे हैं, यानी फ्रंट व्यू, यहां देखो एक ही होगा। अब इसको हम देखते हैं बच्चे, तो सिलिंड्रिकल इसका व्यू कैसे होगा बच्चे, ऐसे बनेगा ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ऐसे सिलेंडर है, नीचे गोल दिख रहा है, ऊपर गोल दिख रहा है, तो मे भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिमाग से निकाल लेना। जब हम प्रोजेक्शन की बात करें, मीन्स ऑर्थोग्राफी की बात करें, तो प्रोजेक्शन क्या करता है बच्ची, इसको ज्वाइन ना करना रहता है बाबू, यहां से ज्वाइन करोगे चारों तरफ से ऐसे 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 ज्वाइन ना करोगे बाबू, तो ई वाला साइड और ई वाला साइड दोनों कौन साइड हो जाएगा, दोनों क्या होगा बाबू मिल जाएगा, मिल करके कम्प्लीटली क्या होगा एक लाइन बन जाएगा, तो इसी तरह से लाइन बन जाएगा। अब सिलिंड्रिकल बॉडी है इसलिए सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिए ठीक है। अब इसका टॉप देखते हैं बच्चे, अब इसको हम ऊपर से देखेंगे बाबू, तो देखो ऊपर ला ये जो कुछ भी हो डायमीटर कुछ भी ले लेते हैं, 40-60 कुछ भी ले लो, मान लो 40 डायमीटर है, ऊपर से आप देखोगे तो एक सर्किल नजर आएगा, मीन्स इस तरफ नजर आएगा, अरे सर इसको ऊपर से देखो तो ये वाला सर्किल नजर आएगा, और फिर नीचे वाला सर्किल, और ये दोनों सर्किल जो होगा बाबू कौन साइड कर जाएगा, दोनों मिल जाएगा बाबू, अरे समझे एक दूसरे के एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, यानी ओवरलैप हो जाएगा ठीक है। तो यहां ना यहाँ इसका टॉप व्यू भी निकाल लेते हैं ठीक है। चलो इस तरह से इसका टॉप व्यू भी हो गया ठीक है। चलो तो यहाँ जो देख रहे बच्चे यह सिलिंड्रिकल भाग का व्यू हो गया बाबू ठीक है। और भी कौन सा व्यू कहलाएगा बाबू, टॉप व्यू कहलाएगा, और ये कौन सा एंगल में कहलाएगा ये तो पता चल ही गया होगा है बाबू। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू जो होता है रिफ्रेन एंगल के नीचे होता है, यानी इसको हम फर्स्ट एंगल में निकालेंगे। प्लेन वाला जो वीडियो होगा बाबू उसको देख लेना ठीक ना बाबू, एंगल का जो प्रॉब्लम होगा वह खत्म हो जाएगा ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसको, यहाँ जो निकाले बच्चे या व्यू हो गया, मीन्स या 2D हो गया राइट ना। अब इसका हम 3D निकालेंगे ठीक ना बाबू। अब 3D निकालेंगे बच्चे,
तो हम पिछले एक्सरसाइज में सर्किल को किस तरह से आइसोमेट्रिक में ड्रा किया जाएगा इसको हम बताए हैं। सत्वर्ण बाबू तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं, ठीक ना बाबू? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं बनाते बच्चे, आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं, यानी एक्चुअल डायमेंशन लेकर के। सपोज करो कि इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन वाला एक वीडियो बनाकर डाले हुए, उसको देख लेना, डायमेंशन पता चल जाएगा। फाई जो हुआ बाबू, मान लो फाई इसका 60 है, इसका हाइट ले लेते हैं कुछ भी, मान लो हाइट इसका ले लिए 70, ठीक है? और ये टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, ठीक है? तो अब यहां देखो, हम बताएं बच्चे, डायमीटर सर्किल का 60 है, तो 60 mm लेंथ का एक ब्लॉक बना देते हैं। और वो ब्लॉक कैसे बनता है बच्चे? रोम्बस बनता है, ठीक है? और बेस से कैसे लेंगे बाबू? 30 degree, चलो इस तरह से, ठीक ना? यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करो और यहां से 30 degree लेके जाएंगे, ठीक है? 30 degree एंगल पर कितना एमएम लेंगे बाबू? 60 mm लेंगे, ठीक है? आप ड्राफ्टिंग मशीन से सेट कर लेना, या तो आप सेट स्क्वायर यूज करना। सेट स्क्वायर आपको, सेट स्क्वायर जो होते बच्चे इस तरह से आता है, ठीक है? एक होगा बाबू 45 degree का, और यहाँ भी 45 degree होगा, यहाँ पर 90 degree होगा, ठीक है? और एक होगा बच्चे कुछ इस तरह से, यहाँ होगा बाबू 30 degree का, और यहाँ 60 degree का, और यहाँ 90 degree होगा। अरे वो सुनने, ठीक है? तो हमें कौन सा, इसमें से दो सेट स्क्वायर हो गया, सेट स्क्वायर हो गया, अब दोनों में से किसी यूज करेंगे तो 30 degree के लिए इसको यूज करना, ठीक ना बाबू? ये वाला को नीचे रख देना और इसको इसके ऊपर में चढ़ा देना ऐसे, ठीक है? और इसको ये जो लेंथ देख ना बाबू, ये वाला लेंथ यहाँ रख देना और इसे ड्रॉ कर देना, तो 30 degree एंगल पर लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है? और या ड्राफ्टिंग मशीन से बनाना आसान होगा, 60 mm हो गया। और फिर देखो बच्चे, इधर से लेंगे 30 degree पर भी 60 mm का हो जाएगा, ठीक ना? थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसको हमने क्या किया बच्चे, एक ब्लॉक में बंद कर दिए थे, पिछला वीडियो देख लेना इस तरह से, ठीक है? और किसी एक कॉर्नर को हम यहाँ कंसिडर किए थे, ठीक है? अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ से इसके पैरल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ से इसके पैरल ड्रॉ कर देना इस तरह से, चलो इस तरह से मिल जाएगा, ठीक बाबू? इस तरह से बनेगा, ठीक है? पैरल क्यों ड्रॉ करेंगे भाई? क्योंकि यहाँ देखो, इसके पैरल ही वाला है, इसके पैरल ही वाला है, इसके पैरल नहीं ड्रॉ करेंगे। अब बच्चे उसके बाद बताए थे डायगोनल आप मिला देना बाबू, जिसका डायगोनल ज्यादा लंबा होगा उसको नेगलेक्ट कर देना। और अगला स्टेप में बोले थे बच्चे इसको हाफ हाफ बांट देना, अरे उसमें अब यहाँ जो है इससे जहां बांटे हो बाबू इसको मिला लेना और इसको इससे मिला लेना, सॉरी यहाँ पर है ना, इससे मिला लेना। और इसको अब नीचे से इसको, ठीक है? इस कॉर्नर का यूज किए तो सामने वाला फेस पर जहां पर आप बांटे हुए थे उसको मिला दिए, फिर यहाँ नीचे वाला कॉर्नर को कंसीडर करें तो इसे सामने वाला फेस को आप ऐसे करके मिला देना, ठीक ना? फिर यहां से, और ध्यान रहे कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करता है, ठीक है? अब इसको सेंटर ले लो एक बार, इसको सेंटर लोगे तो ये वाला रेडियस होगा, देख लो ये त्रिज्या हो जाएगा, या सेंटर लेकर ऐसे आर्क ड्रा करोगे तो यहां से यहां बनेगा। इसको सेंटर लेगा बाबू, ठीक है? इसको त्रिज्या लेकर ऐसे ड्रॉ कर देना तो यहां से बन जाएगा। इसका सेंटर लेगा तो देखो ये वाला जो लाइन है ना बाबू वाला, ठीक ना? इसको रेडियस लेके यहां रख करके ऐसे बना देना ऊपर से, मींस क्या होगा बच्चे, ऐसे बन जाएगा। इसको सेंटर लेगा तो ये वाला रेडियस बन जाएगा बाबू, और यहां रख करके ऐसे ड्रॉ कर देना, मींस इस तरह से ऐसे बन जाएगा, ठीक है? देखो इस तरह से बन जाएगा बाबू नीचे वाला भाग, ठीक है? अब बाबू देखो, अब हमें चाहिए इसका हाइट चाहिए, ठीक है? हाइट के लिए क्या कर रहे बच्चे, यहाँ देखो, ठीक है? दोनों डायगोनल यहाँ पर मिला हुआ है, या यहाँ आपने जो बांटा हुआ है ना बाबू, यहाँ पर आप यहाँ किए हुए ऐसे खींचोगे या फिर ऐसे खींचोगे, अब यहाँ से 70 है बाबू, तो यहाँ से हम मिडिल से आप 70 हाइट ड्रॉ कर देना, चलो मान लो ये 70 हो गया, ठीक है? अब यहाँ 70 हो गया बच्चे, यहां से ना एक लाइन ड्रॉ करना 30 degree पर, 30 degree एंगल बनाते हुए इस लाइन के पैरेलल, मीन्स ऐसे हो जाएगा, और एक लाइन ड्रॉ करना इसके पैरेलल, मीन्स ऐसे हो जाएगा, ये सेंटर हो गया, मीन्स ये मिडिल वाला पॉइंट मिल गया।
अब डायमीटर बाबू देख लो 60 है तो इसका रेडियस कितना होगा बाबू 30 इधर कर देना 30 इधर कर देना फिर यहां से 30 इधर बाबू और 30 इधर कर देना। अब बाबू यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना ठीक है क्या कहते हैं कि जेड एस आर को ला कर यहां रख देना और पैरेलल ड्रॉ करना या ड्राफ्टिंग मशीन यूज करना इसके पैरेलल भी इस तरह से और फिर यहां से भी इसी के पैरेलल इस तरह से और यहां से इसके पैरेलल इस तरह से और फिर यहां जो बाटे थे बाबू इसी के पैरेलल आप ऐसे ड्रॉ कर ठीक है इसको यहां से ऐसे कर देते हैं इस तरह से देखो एक ब्लॉक बन गया बाबू देख रहे इस तरह से देखो ये ब्लॉक बन गया। अब फिर वही प्रोसेस ये डायगोनल मिला दो ठीक है बाबू बड़ा वाला डायगोनल को डायगोनलाइज कर दो ठीक है अब यहां से इसको मिला दो और यहां से इसको मिला दो और यहां से इस कॉर्नर को इसको और यहां से इसको देखो यहां मिला अब यहां मिला तो इसको सेंटर लेकर यहां से यहां तक आर्क ड्रॉ करो इसको सेंटर लेकर यहां से यहां तक आर्क ड्रॉ करो इसको सेंटर लोगे तो ऊपर आर्क ड्रॉ होगा और इसको सेंटर लोगे तो नीचे आर्क ड्रॉ होगा देखो इस तरह से अरे उसने तो यानी ऊपर भी सर्किल बन गया और नीचे भी सर्किल बन गया। अब इसको क्या करो बाबू इसको ना इससे करके इससे ज्वाइन कर दो और इसको मिला करके यहां से इसको ज्वाइन कर दो ठीक बाबू। अब यहाँ सामने देखेंगे तो पीछे वाला भाग हीटर रहेगा तो ई वाला सर्किट जो होगा ना इसको थोड़ा सा इरेज कर देगा ठीक ना इस तरह से तो ई जो हुआ बाबू सिलेंडर बना लिए हम लोग ठीक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे सिलेंडर था ना दूसरा देखते हैं कोन ठीक ना जिसको हम लोग कहते हैं शंकु शंकु का देखो शंकु कोन पता ही होगा बाबू आप लोग को बिल्कुल इस तरह से तंबू की तरह होता है ठीक ना नीचे वाला नीचे सर्किल होता है बच्चे ऊपर में कोन इस तरह होता है ठीक है। तो देखो बाबू इसका अगर हम व्यू निकालेंगे फ्रंट व्यू निकालो इस तरह से ऐसे ज्वाइन करें ना बच्चे ऐसे ऐसे ज्वाइन करो चारों तरफ से ऐसे 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 ठीक ना तो कम्प्लीटली इसका फ्रंट व्यू जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा बाबू ठीक है इस तरह से देखो ना बाबू ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे प्रोजेक्शन खाने का मतलब इसी तरह से ज्वाइन करना बाबू ध्यान रखना ठीक है। तो इस तरह से इमेजिन करके हम ज्वाइन करते हैं बच्चे इमेजिन ठीक ना बाबू ठीक ना कल्पना करते हैं ऐसे क्योंकि मेरी आईज का जो रे है बच्चे ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल इसको छूती हुई जाएगा ऐसे और इसको ऊपर से देखें बाबू तो अब यहाँ देखो बच्चे होलो है ना बाबू कोन है ना खाली जगह है ना तो यहाँ यहाँ सेंटर लाइन देना पड़ेगा बाबू सेंटर लाइन नहीं दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और इसको ऊपर देखोगे तो एक सर्किल नजर आएगा ठीक है। तो इसको हम यहाँ सर्किल भी बना ही देते हैं इस तरह से ठीक बाबू मान लो इसका डायमीटर भी हम ले लेते हैं बच्चे 60 ले लेते हैं हाइट इसका चलो 70 रख लेते हैं ठीक है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं बाबू ये कहलाता है व्यू कहलाता है मीन्स ये जो वो 2D हो गया ऑर्थोग्राफिक हो गया 2D कहते देखो इसमें लंबाई नजर आ रहा है चौड़ाई नजर आ रहा है अरे उस समय सेम यही भी यहाँ भी है तो ये 2D हो गया ठीक है मीन्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया। अब इसका प्रयोग करके हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चे आइसोमेट्रिक में तो आइसोमेट्रिक के लिए देखो बच्चे डायमीटर 60 है तो 60 का हम ब्लॉक ड्रॉ कर देंगे जैसे अभी थोड़ा देर पहले ड्रॉ किए थे बिल्कुल इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना और एक पॉइंट कंसीडर करके 30 डिग्री पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना ठीक ना और यहां से इसके पैरेलल ड्रॉ कर देना बाबू यहां से इसके पैरेलल देखो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस देखो डायगोनल मिला देना हाफ कर देना बाबू इसको आज इसका डायगोनल बड़ा है इसको नेगलाइज कर देना ठीक इसके कॉर्नर इसको मिला देना इसको इससे मिला देना और इसको इससे मिला देना इसको इससे मिला देना देखो यहाँ पर मिला है बाबू और इसको सेंटर लेकर ऐसे आर्क ड्रा कर दो यहाँ पर मिला बाबू इसको सेंटर लेकर ऐसे आर्क ड्रा करो नीचे सेंटर लोगे बाबू तो आर्क ऊपर ड्रा होगा और ऊपर सेंटर लोगे बाबू तो आर्क नीचे ड्रा होगा बन गया। अब यहाँ जो सेंटर बचे इस सेंटर को हाइट यहाँ दिया बच्चे 70 है यहां से हाइट ड्रॉ कर दो 70 सेंटर लाइन तरह होना चाहिए ठीक ना बाबू 70 हो गया। अब यहां से बाबू इसको ज्वाइन कर लो आप इस तरह से और यहां से इसको ज्वाइन कर दो चलो कोन बन गया बाबू ठीक है। और पीछे वाला भाग हिडन रहेगा बच्चे मतलब नहीं दिखेगा इसलिए पीछे वाला भाग को ठीक ना हिडन लाइन दे देना इसे हिडन मतलब डॉटेड लाइन ठीक ना इस तरह से चलो कोन बन गया बाबू।
ठीक है बच्चे, वीडियो लंबा जा रहा है, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बाबू। ऐसे अब जो वीडियो हम बनाएंगे बच्चे, दोनों साथ में बनाएंगे, यानी ऑर्थोग्राफिक भी और आइसोमेट्रिक भी, या आइसोमेट्रिक बनाएंगे पहले फिर उससे हम लोग ऑर्थोग्राफिक निकालते जाएंगे, ठीक है ना बाबू। ओके, और वीडियो अच्छा लगा बच्चे आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और भी वीडियो अपलोड, नया नया वीडियो अपलोड करेंगे बाबू, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है बाबू, ठीक है, ओके, थैंक यू।